वेलकम। डिफकार्ट 6 मिलीग्राम टेबलेट के बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। डिफकार्ट ये 6 मिलीग्राम या 12 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम की भी आती है। डिफकार्ट 6 मिलीग्राम की टेबलेट बहुत पॉपुलर है। तो ये किन बीमारियों में दी जाती है, इसके अंदर क्या होता है, कैसे काम करती है, क्या नुकसान हो सकता है, ये हम लोग जानने वाले हैं। कितने की आती है? तो डिफकार्ट 6 टेबलेट जो होती है, इसमें होता है डिफ्लजाकार्ट, एक तरीके की ये स्टेरॉइड है, और 6 मतलब 6 मिलीग्राम। तो 6 मिलीग्राम डिफ्लजाकार्ट होता है इसमें, और ये एक तरीके की स्टेरॉइड दवा है। ये मैकलियाड फार्मास्यूटिकल द्वारा बेची जाती है। अब ये दवा कैसे काम करती है, अगर इसकी बात करें तो ये स्टेरॉइड दवा क्या करती है, शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको सबसाइड करती है। तो अगर आप डिफकार्ट ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है वो कम होंगे। इम्यूनो सप्रेसिव दवाई है, इम्यूनिटी को कम करती है, तो इससे इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद मिलती है। और ऐसी कंडीशन जिसमें आपके इम्यून सिस्टम को कम करना हुआ उसमें यूज आएगी, मतलब कि ऑटो इम्यून बीमारियों में। तो ये डिफकार्ट जो टेबलेट है खाने की, तब दी जाती है जब किसी के अंदर इन्फ्लेमेटरी कोई बीमारी हो, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या बोन ज्वाइंट में और भी दूसरे अर्थराइटिस हो सकते हैं, या कई बार ऐसा हो सकता है कि फेफड़े के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, बेसिकली इन्फेक्शन नहीं इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, या हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, या कोई और भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, या कोई सीवियर एलर्जिक कंडीशन हो गई है, मतलब कि स्किन में एलर्जी हो गई है, कहीं और एलर्जी हो रही हो, फेफड़े में एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा ऑटोइम्यून बीमारियां कई तरह की हो सकती हैं शरीर के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि स्किन में हो जाती है, इसलिए है, या हड्डियों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जोड़ों में हो जाती है, सोरियासिस है, लाइकेन प्लेनिस है, ऐसी काफ़ी तरह की एलर्जी कंडीशन उसमें ये टेबलेट यूज करी जा सकती है, या जो ट्रांसप्लांट वगैरह जिन मरीजों में होता है उनमें इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए दवा चल सकती है। तो मोटा मोटा समझें कि इन्फ्लेमेशन को कम करना हुआ, ऑटोइम्यून बीमारियां हो गई, और एलर्जी कंडीशन, ये प्रमुख बीमारियां हैं जिसमें ये डिफकार्ट टेबलेट चलती है। अभी इसका डोज अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति की बीमारी क्या है और उसकी सीवियरिटी क्या है। साइड इफेक्ट पे आ जाए तो स्टेरॉइड दवा अगर आप 3-4 दिन लेते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आता, लेकिन अगर आप ज़्यादा दिन तक ज़्यादा डोज में लो तो काफ़ी तरह के साइड इफेक्ट आ सकते हैं। उसमें कुछ तो साइड इफेक्ट काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये जो डिफकार्ट टेबलेट है, जैसे मैंने कहा कि स्टेरॉइड है, तो स्टेरॉइड के शरीर में काफ़ी तरह का काम होता है, इसलिए जो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है उससे काफ़ी तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो साइड इफेक्ट में एक तो वजन का बढ़ना, आप पेट का निकल जाना, मानसिक परेशानी होना, डिप्रेशन में चले जाते हैं काफ़ी सारे लोग, मूड चेंज होता है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे पेट के अंदर छाले पड़ जाना, अल्सर बन जाना, गैस ज़्यादा बनना, कब्ज लग जाना, हड्डियाँ टूटने लगना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, स्किन कमज़ोर हो जाना, स्किन में स्ट्रेच मार्क पड़ सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है, कैंडिडा की समस्या बढ़ हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन लगेगा तो ठीक नहीं होगा, शरीर में इन्फेक्शन आसानी से लगने लगते हैं। तो ऐसा समझे कि स्टेरॉइड इसके अंदर होता है, इसमें डिफ्लजाकार्ट होता है, जो इस तरह की काफ़ी तरह की समस्याएं करा सकती हैं। कई लोगों को टीवी का इन्फेक्शन एक्टिवेट हो जाता है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये भी आप सावधानी रखें कि ऐसे लोग जिनको फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, टीवी का इन्फेक्शन अभी चल रहा हो, एक्टिव इन्फेक्शन में ये दवा नहीं दी जाती, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए दी जाती है। एक्टिव इन्फेक्शन में देने से इन्फेक्शन थोड़ा सा लंबा खींच सकता है या ना ठीक हो, बिगड़ भी सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके पेट में छाले वगैरह पड़े हों, या मानसिक बीमारी हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, हड्डी कमज़ोर हो रही है, तभी ये दवा नहीं दी जाती, या सावधानी से दी जाती है, उसको प्रिकॉशन को देखते रहना है। और ये भी ध्यान रखें कि आप ये दवा जब डिफकार्ट चलती है तो और भी जैसे कि किडनी की समस्या है, या एल्कोहल वगैरह नहीं लेना, ये कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इन सबको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जब भी ये डिफकार्ट टैबलेट चलेगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो दवा है, ये इसके अंदर डिफ्लजाकार्ट होता है, स्टेरॉइड दवा है, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज है, लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह से नहीं लेना है। और ये टैबलेट अगर एक हफ्ते से ज़्यादा चल जाती है तो फिर अपने आप बंद भी नहीं करना, अपने आप बंद करने से इससे फिर विड्रावल सिम्टम्स आते हैं। विड्रावल सिम्टम्स मतलब कि आपको और तकलीफ बढ़ सकती है जिस चीज़ के लिए दिया गया है, तो नींद नहीं आना, बुखार लगना, या कमजोरी लगना, बेचैनी लगना, ये सब हो सकता है। तो इसको टेपर किया जाता है, फिर इस दवा को डोज थोड़ा कम कम करके हटाया जाता है। तो ये स्टेरॉइड दवा है, जान बचाती भी है, पर अगर सही से न लिया जाए तो जान जोखिम में भी डाल देती है।
इसलिए डिफकार्ट टेबलेट को डॉक्टरी सलाह से ही लें, अपने से खरीद के खाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल इस दवा के बारे में अगर कोई जानना चाह रहा होगा तो इस दवा से संबंधित कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है उसके जवाब मैंने दे दिए हैं कि क्या है और कैसे काम करती है डिफकार्ट टेबलेट। थैंक यू।